तो भैया कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे आप? ये डोगरी। डोगरी कैसी होती है, आप क्या बता रहे थे? मिक्स नहीं होती है, बीच में मतलब हिंदी भी बोल देता है। ये देखो भाई, अब लग रहा है कि सच में हम यहाँ पे वैष्णो देवी आए हैं। तो भाई फाइनली 5 घंटे की चढ़ाई के बाद आपके सामने है श्री माता वैष्णो देवी जी का दरबार। मेरे को इतना टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि जैसे मैं लाइन में गया ना, वैसे आरती सी होगी तो हमारी अंदर एंट्री नहीं हुई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग के अंदर। तो आज किस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कटरा जम्मू से। एंड मैं सुबह आया था कटरा जम्मू में, काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, पूरी रात मैंने ट्रैवल किया था। और यहाँ पे मैं आया, मैंने एक डॉर्मेट्री ले ली क्योंकि रूम्स यहाँ पे बहुत महंगे थे, तो मैंने डॉर्मेट्री ले ली। मैं आपको मेरी डॉर्मेट्री दिखा देता हूँ कैसी है, क्योंकि यहाँ पे ना डॉर्मेट्री बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। तो ये कुछ ऐसे डॉर्मेट्री है भैया। मेरा ऊपर वाला ना, ये ठीक है, इसका 202 हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसी कुछ डॉर्मेट्रीज मिल जाएगी काफ़ी सस्ते दाम में, मुझे ये पड़ी अप्रॉक्स 150 में, ठीक है। तो काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी अच्छी जगह है। और दूसरी चीज़ है कि अभी सीजन का पीक है, तो यहाँ पे रूम्स वगैरह मैंने पूछे थे अवेलेबल नहीं थे, और जो अवेलेबल थे वो 2000-3000 के अराउंड थे, जो कि भाई मेरे बजट से बाहर। देखो, इसलिए मैंने डॉर्मेट्री ले ली, काफ़ी अच्छी सुविधा। बाकी मुझे रात को सोना ही है। आपको डॉर्मेट्री के साथ ऐसा एक लॉकर मिल जाएगा, तो मैंने अपना बैग जो बड़े वाला है ना वो मैंने यहाँ रख दिया, और अपना छोटा वाला बैग मैंने अटैच कर लिया। तो करते हैं चढ़ाई ऊपर शुरू, पहले मैं इसे लॉक कर देता हूँ, फिर हम करते हैं ऊपर चढ़ाई शुरू। ऊपर जाने में लगेंगे 4-5 घंटे, क्योंकि जो चढ़ाई है वो भाई शायद 14 किलोमीटर लंबी है और एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो चलते हैं, जर्नी की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे नीचे जाके एक सिम भी परचेज करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क है वो नहीं आता, आपको वापस से यहीं की एक लोकल सिम लेनी पड़ती है, तभी आपका नेटवर्क जो है जारी रहेगा। तो मुझे नीचे जाना है, एक सिम भी लेना है। चलते हैं नीचे, खाना वाना भी खाऊंगा, फिर चलते हैं। पहले इसे लॉक कर देता हूँ, मेरा सामान तो आराम से इसमें आ गया। अभी जाने के लिए सीधा वैष्णो देवी मंदिर में। मंदिर का रास्ता मैंने यहाँ से पूछा है भाई, कम से कम 5-6 घंटे बता रहे हैं चढ़ाई के, कि 6 घंटे लग जाते हैं चढ़ने में। तो मैं अभी 12-1 बजे शुरू करूंगा, तो शाम को 6-7 बजे आरती वाले टाइम तो पहुंच ही जाऊंगा। तो चलते हैं, करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले मैं एक सिम लूंगा और खाना खाऊंगा और फिर चलते हैं बाहर। तो अगर आपको ऊपर दर्शन करने के लिए जाना है ना, तो आपको पहले एक यात्रा पर्ची बनवानी पड़ेगी। यात्रा पर्ची मीन्स आपका एक रजिस्ट्रेशन होगा कि आप इस तारीख को ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं दर्शन के लिए, तो आपको पर्ची बनवानी पड़ेगी। मैंने वो पर्ची बनवा ली है, मैंने ऑनलाइन ही काटी थी वो पर्ची, लेकिन अब उसका मैं प्रिंट लेने जा रहा हूँ एक टोकन। बाकी वो सामने मिलेगी आपको यात्रा पर्ची, वो देखो। ये देखो, यहाँ पे आपको मिल जाएगी यात्रा पंजीकरण कक्ष, यात्रा रजिस्ट्रेशन वाला। तो आपको पूरा घूम के जाना पड़ेगा अंदर, और फिर आपको मिलेगी यात्रा पर्ची, जो कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा कि आप ऊपर जा रहे हो मत्था टेकने के लिए। मैंने वो ऑनलाइन काट लिया, लेकिन मुझे उसका प्रिंट निकालना पड़ेगा अभी भी। तो मैं लेने जा रहा हूँ मेरी यात्रा पर्ची, इसके अंदर चलते हैं और ले लेते हैं फटाफट। जितना जल्दी शुरू करूंगा उतना जल्दी मुझे दर्शन हो जाएंगे। अच्छा, इधर से जाना है क्या? अरे यार, काफी भीड़ है यहाँ पे। तो गाइज, मुझे मेरा कार्ड मिल गया है, ये ना मेरा कार्ड, और ये मुझे इतना जल्दी इसीलिए मिल गया क्योंकि मेरा जो रजिस्ट्रेशन था वो मैंने ऑनलाइन करवा लिया था। और अगर ऑनलाइन नहीं करवाया होता तो थोड़ा टाइम लग जाता, लेकिन ऑनलाइन करवाया हुआ था तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा और इसके साथ मुझे मेरा कार्ड मिल गया। अब चलते ऊपर, मेरे पास 6 घंटे का टाइम है, 6 घंटे के अंदर मुझे बाणगंगा पोस्ट पार करनी है, वरना ये शायद इनवैलिड हो जाएगा। तो चलते हैं। अब मैं देख रहा हूँ मेरे को कहीं ना सिम कार्ड मिल जाए, मैं सिम कार्ड ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को कश्मीर भी जाना है, प्लान मेरा कश्मीर जाने का भी है, तो सिम कार्ड ले लूँगा तो बढ़िया रहेगा। चलो, वो सामने वो रहा जियो का लगा हुआ है, देखते हैं कोई अच्छा सा प्लान मिलेगा तो उस हिसाब से प्लान ले लेंगे। सिम कार्ड। तो यहाँ पे बेसिकली 2 प्लान थे, एयरटेल का था और जियो का था। तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एयरटेल, क्योंकि एयरटेल की कनेक्टिविटी बेटर बता रहे हैं, और साथ में अगर आपका 5G का स्मार्टफोन है तो शायद आपको अनलिमिटेड नेट है ना भैया? 5G का स्मार्टफोन पे अनलिमिटेड है ना? तो मैं फिर एयरटेल ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को इस वक्त कश्मीर भी जाना है, तो कश्मीर में बेटर कनेक्टिविटी सही रहेगी। ठीक है भैया, कर दो यार। तो भैया कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे आप? ये डोगरी। डोगरी कैसी होती है, आप क्या बता रहे थे? मिक्स नहीं होती है, बीच में मतलब हिंदी भी बोल देता है, बीच में लोकल भाषा वैसे डोगरी जो समझ आ जाए बंदे को। थोड़ी पंजाबी थोड़ी हिंदी मिक्स है, और थोड़ी और कश्मीरी अलग होती है।
अच्छा आप जम्मू से बताओ कश्मीर की इतनी समझ नहीं आती, मतलब ऐसे थोड़े बहुत वर्ड जो होते हैं वो तो सेम ही होते हैं। अच्छा मैक्सिमम समझ लग जाती है, मैक्सिमम समझ आ जाती है, बीच में कुछ ही वर्ड होते हैं समझ, मतलब तो तोड़ फोड़ के समझ जाते हो, तोड़ फोड़ के बीच में आधी बातें तो समझ ही आ जाएंगी ऐसे आप जब बात कर रहे होगे। अच्छा अभी बीच में कुछ तो कुछ समझ ही गए होंगे जो, हाँ हाँ थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, क्या आइडिया लग जाता है कि बंदा क्या बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो भाई अभी मैं यहाँ पे आया था जम्मू के अंदर वैष्णो देवी में एक सिम पोर्ट करवाने के लिए, मतलब सिम नहीं लेने के लिए, तो मैंने एयरटेल की सिम यूज करी थी, तो यहाँ पे मेरे को तीन भाई मिले, उनका नेचर काफी अच्छा था। नाम क्या भैया आपका? शगुन शर्मा। शगुन शर्मा आपका? राजेंद्र। राजेंद्र राजपूत। राजपूत आपका क्या नाम भैया? रमन शर्मा। रमन शर्मा, सारे शर्मा हो आप, राजपूत हो, चलो काफी अच्छा लगा यार आपसे मिलकर। ठीक है अभी मैं चलता हूँ ऊपर, क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा ऊपर जाने में, एंड रास्ते में आपको सारी डिटेल्स दूंगा। तो अभी मैं आया हूँ कुछ खाने के लिए, कुछ खा पी लेते हैं और फिर चढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है यहाँ पे एक मार्केट है छोटा सा, पर यहाँ पर सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, देखो कितना प्यारा है, बाकी यहाँ पे सब कुछ फ्रेश मिल जाएगा आपको। तो फटाफट कुछ खाते पीते हैं और फिर चलते हैं चढ़ाई शुरू करने के लिए, 4-5 घंटे लगेंगे चढ़ाई करने में। शाम का व्यू आज वैष्णो देवी में आपको मैं दिखाऊंगा एंड पूरा इन्जॉय करेंगे, तो खाते हैं और चलते हैं। तो भाई ये कुछ ऐसी थाली मिली है मुझे जिसमें 2 परौंठे, चावल और 3 तरह की सब्जी है, काफ़ी अच्छी है, 60 रुपये मुझे इसका प्राइस पड़ा, तो मुझे कुछ ठीक लगी कि बेटर है, काफ़ी अच्छी है। तो फटाफट से खाते हैं और चढ़ाई शुरू करते हैं। भाई सच बताऊँ ना, अब तक मेरे को ये जगह बहुत पसंद आई है, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था इतनी अच्छी है, प्लस मेरे को रहने के लिए भी इतनी अच्छी जगह मिल गई, और अगर उसके साथ मैं बात करूँ यहाँ पर लोगों की, मेरे को लोग भी बहुत अच्छे मिले और 1-2 सब्सक्राइबर भी निकल गए थे मेरे वहाँ पर जब मैं सिम ले रहा था, और डाटा पैक भी काफ़ी अच्छा है, तो ओवरऑल ना यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। बाकी अब शुरू करते हैं मेरी चढ़ाई, जो कि भाई 3-4 घंटे की रहने वाली है, हालत तो ख़राब हो जाएगी मैं जानता हूँ, पर ठीक है कर लेंगे, तो चलते हैं करते हैं स्टार्ट। तो चलो यार यहीं से शुरुआत होती है हमारी 5-6 घंटे की इस चढ़ाई की, तो जयकारा शेरावाली माता तेरी सदा ही जय, इसके साथ हम जो ये जर्नी है यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं चढ़ाई की, और मुझे नहीं पता ये कैसे होने वाली है क्योंकि ये बहुत लंबी है, पर कोई बात नहीं इसे पूरा करेंगे, तो चलो चलते हैं। अभी मैंने जर्नी की शुरुआत की थी तो मेरे को यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा स्टूडियो दिख गया, जिसे भाई शेरावाली माता के अकॉर्डिंग ही इन्होंने डेकोरेट करके रखा है। ये देखो यहाँ पानी चल रहा है, तो दोस्तों इस जगह से होती है हमारी ऑफिशियली चढ़ाई शुरू। खाने पीने का सारा सामान मैंने ले लिया है, पानी ले लिया है और पीने वगैरह का भी सारा सामान ले लिया है। मैं आपको चढ़ाई दिखाऊं, आपको पूरा ऐसे होते होते पूरा ऊपर तक जाकर इस पहाड़ के दूसरी तरफ जाना है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ से होते होते पूरा ये जो एरिया, यहाँ से होते होते पूरा ऊपर तक और फिर इस पहाड़ के उस तरफ, तो टाइम तो लगने वाला है लेकिन कोई बात नहीं करेंगे। तो अंदर आते ही सबसे पहले आपका यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग होगा, चेकिंग होगी आपके सामान की, चेकिंग होगी, और यहाँ से आपको सीधा इस तरफ पास में निकल जाना है। तो हमारी सिक्योरिटी चेकिंग हो चुकी है, अब हम चलते हैं सीधा यहाँ से अंदर। और भाई भीड़ देखो यार, भीड़ देखो, गर्मी काफ़ी ज़्यादा होके रखी है लेकिन कोई बात नहीं करेंगे इसे भी आज। तो यहाँ पे आपको जगह जगह ऐसे स्टूडियोज़ देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे यहाँ पे ये तैयार किए हुए हैं, हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी ये देखो ऐसे स्टूडियोज़ लगा रखे हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी है। ये देखो भाई अब लग रहा है कि सच में हम यहाँ पे वैष्णो देवी आए हैं, क्या ही वाइब है। तो यार मुझे 1 घंटा हो गया चढ़ाई करते हुए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं वहाँ से चला था एकदम जमीन से 1 बजे, अभी वक्त हो रहा है 2 बजे का, ठीक है, और मैंने 4 किलोमीटर कवर कर लिया है, अभी भी 10 किलोमीटर बाकी है वैष्णो देवी ऊपर मंदिर तक पहुँचने में, तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर कोई बुरी बात नहीं है, लगभग 3 घंटे और फिर मैं पूरी चढ़ाई पूरी कर लूँगा। बाकी देख लो भाई वहाँ से आया था पूरा ऐसा घूमते हुए, ये इधर से पूरा पीछे पीछे होके पूरा इस पहाड़ के पीछे से होके फिर यहाँ से और मुझे ऊपर जाना है, तो ठीक है 1 घंटे में 4 किलोमीटर कोई बुरा नहीं है। बाकी अभी स्टार्टिंग फेज था, थोड़ा पैरों में जान डाल रहे हैं, धीरे धीरे और स्पीड से जाएंगे, तो चलो चलते हैं आगे, हमारा रास्ता इधर से ऊपर है, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, थोड़ा ऊपर जाके आपसे बात करूँगा। भाई बहुत मुश्किल है चढ़ाई, अभी भाई 3:30 हो चुकी है, मैं लगभग 1 बजे चला था नीचे से और मुझे 2.5 घंटे हो गए, और 2.5 घंटे में मुझसे सिर्फ आधा रास्ता कवर हुआ है, मतलब 14 किलोमीटर था टोटल और अभी भी 7 किलोमीटर बता रहा है, तो मुझे 7 किलोमीटर अभी और चढ़ना है,
और मैंने ऑलरेडी 2.5 घंटे कंज्यूम कर लिया, जहाँ मैं सोच के आया था कि मैं 3 घंटे में पूरा कर लूँगा, अब वो 5-6 घंटे में होता दिख रहा है। बाकी मैं आपको व्यू चेक कराता हूँ। ये देखो भाई, क्या ही प्यारा व्यू भाई, पूरी वैली का व्यू आ रहा है इधर से, और वो वहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला, ये रेलवे स्टेशन है। यहाँ से मैं आया था रेलवे स्टेशन से ऑल द वे इस जगह, यहाँ पे कहीं वो था डॉर्मेट्री वाला था मेरा, और फिर यूं घूमते हुए इधर से पूरा ऐसे करते करते पूरा यूं, फिर मैं इस रास्ते से आया हूँ। बाकी भाई यहाँ पे लोग घोड़े पे भी चल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो चल सकता है पैदल वो क्यों नहीं चलता पैदल, जानवर का ऐसे तंग करना। मतलब मैं मानता हूँ कि बूढ़े बुजुर्गों को या फिर कुछ खास लोगों को ज़रूरत है मतलब घोड़े वगैरह की, लेकिन जो चल सकता है वो तो चले ना कम से कम। बाकी मेरा ओपिनियन तो यही है कि पैदल चलना चाहिए, अगर आप इतनी दूर तीर्थ स्थल पे आ रहे हो ना, थोड़ा पैदल चल लो अच्छा है। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा होगा। तो चलो मैं भी इस राइड को कंटिन्यू करता हूँ, निकलता हूँ ऊपर की तरफ, और 3:30 हो चुके हैं, मेरा टारगेट है 6 बजे तक, लगभग 6 बजे तक मुझे ऊपर पहुँचना ही है, ठीक है, क्योंकि 6 बजे सनसेट का व्यू भी अच्छा होगा और साथ में दर्शन भी हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं। बाकी एक बार और आप ये नज़ारा देख लो, क्या ही प्यारा लग रहा है। सिर्फ 4 किलोमीटर और बचा है, 4 बज चुके हैं, मैं 1 बजे चला था, 4 बज गई है और 60% एरिया कवर हुआ है, अभी 2 घंटे और लगेंगे, और मैं अभी हाईएस्ट पीक पे आया हूँ, नीचे का व्यू कुछ ऐसा है। तो चलो नॉन स्टॉप चलते हैं ऊपर, अब रुकना नहीं है, अब सीधा ऊपर जाके रुकेंगे। भाई कितने भी थके हो लेकिन ये चीज़ें आपका उत्साह बढ़ा देती है। मैं थका पड़ा हूँ लेकिन फिर भी चलते हैं ऊपर, अभी बहुत पड़ा है रास्ता। तो भाई 4:30 हो चुकी है, मैं आ चुका हूँ एकदम टॉप पे नहीं मतलब यहाँ से मंदिर थोड़ा ही दूर है, वो देखो आपको ये दिख रहा है, बस यहाँ से ये हेलीपैड की जगह है और वहाँ ऊपर उधर मंदिर है, तो बस थोड़ी देर और। ये देखो भाई ये पूरी वैली का नज़ारा। आज भाई लिटरली मैं थक गया, आते गला बैठ गया मेरा, सोचा नहीं था भाई 16 किलोमीटर एकदम स्ट्रेट चढ़ाई इतनी हार्ड होगी। मैंने सोचा था बड़ा आराम से हो जाएगा, मेरे को आदत है ट्रैकिंग की, पर इस ट्रैकिंग ने हालात ख़राब कर दी। बाकी भाई सांस एकदम चढ़ गया मेरा, बस अब हमें वहाँ जाना है एकदम ऊपर, ये पूरा रास्ता इधर से होकर यहाँ और फिर उसके ऊपर, वो देखो यूँ होते होते हमें वहाँ पहुँचना है। कोई बात नहीं, 6 बजे तक यानी सनसेट तक हम आराम से ऊपर पहुँच जाएंगे। मैं आपको थोड़ा साइड का नज़ारा दिखा देता हूँ। पीछे जो मैंने आपको स्पॉट दिखाया काफ़ी अच्छी जगह थी, थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट कर लिया, फोटो वगैरह क्लिक करवा ली। अब चलते हैं, मात्र यहाँ से 3 किलोमीटर और दिखा रहा है, वो पहाड़ी है उसके पीछे है मेन मंदिर। 1 बजे चला था और वक्त हो गया 4:30, 6 बजे तक मैं पहुँचना है मेरे को कुछ भी करके, 3 किलोमीटर बचा सिर्फ। तो चलो चलते हैं, अब बस सीधा मंदिर पे जाके रुकेंगे। एक मैं आपको हेलीपैड है वो दिखा दूंगा, आपने शॉर्ट्स देख ही लिए होंगे हेलीकॉप्टर के आने और जाने के। तो भाई वहाँ पे सामने बना है हेलीपैड, आप हेलीकॉप्टर की सुविधा ले सकते हो, ये देख लो एक गया एक यहाँ पे आ रहा है, तो आप हेलीकॉप्टर की सुविधा भी ले सकते हो अगर आपसे चला नहीं जाता। बाकी देख लेना आप, डिफर होता रहता है। तो ये आपके सामने हेलीकॉप्टर की सुविधा है, वहाँ पे ऊपर हेलीपैड बना हुआ है इसका, और इसके जस्ट पीछे पहाड़ के जस्ट पीछे मंदिर है। तो चलो चलते हैं, 6 बजे से पहले पहुँचना है अपने को। पता नहीं क्यों एक बात आप लोगों से शेयर करने का मन कर रहा है, जैसे जैसे मैं मंदिर के नज़दीक जाता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे पता नहीं क्यों ये जगह मुझे और भी खूबसूरत लगती जा रही है। नीचे की घाटियों को देखना, नीचे शहर को देखना, और मतलब अजीब सी चीज़ हो रही है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं मंदिर के नज़दीक जाता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी फीलिंग्स और अच्छी होती जा रही है, और ये भजन बज रहे हैं काफ़ी अच्छी फीलिंग है यार। चलते हैं, मत्था टेकते हैं, आज 16 किलोमीटर चलने का मुझे पूरा एहसास हुआ है। ये देखो बस थोड़ा सा हो रहा है, चलते हैं अभी। तो अगर मेरी सजेशंस मानो तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप दोपहर को 12 बजे चलो, ताकि आप शाम को 6 घंटों में आराम से ऊपर आकर अपना जो भी पूजा पाठ है वो कर सको, और आराम से आप आरती भी अटेंड कर लोगे, और 6 घंटों में आराम से पहुँच जाओगे, शाम को सनसेट भी देख लोगे आप। और अगर आप चल रहे हो रात को तो आप रात में चल सकते हो 12-1 बजे के आसपास, तो आप अर्ली मॉर्निंग पहुँच जाओगे। तो मेरी तो ये सजेशंस है, तो देख लेना आप किस हिसाब से आपको प्रीफर रहता है, क्योंकि दिन में गर्मी ज़्यादा होती है, तो ठीक है बाकी हो सकता है आपको कुछ और पसंद हो। ये देखो आपको दिखाऊं, ये बंदा
ढोल की आवाज सुनाई देती ना तो चलने की ताकत वो और आ जाती है। बाकी मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऊपर जाना है तो आप दोपहर में चलो 12 बजे के आसपास, ताकि शाम को 6 बजे तक आप आराम से पहुंच जाओगे सनसेट के टाइम पे, और साथ में उस टाइम आरती का समय भी होगा तो आराम से आरती भी अटेंड कर लोगे। तो भाई फाइनली 5 घंटे की चढ़ाई के बाद आपके सामने है श्री माता वैष्णो देवी जी का दरबार। 5 घंटे लगे यहाँ पे आने के लिए। अभी भी मुझे यहाँ से होते हुए ना वहां से होकर ये जगह देख रही है, फिर जाकर अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। चलते हैं, काफी ज्यादा थक गया हूँ भाई मैं आज चढ़ाई कर करके, पर कोई बात नहीं, चलते हैं दर्शन करते हैं और फिर देखते हैं नीचे जाने का क्या प्लान है, पर पहले चलते हैं दरबार में। तो भाई फाइनली मैं दर्शन करके वापस आ चुका हूँ। एक्चुअली दर्शन करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। ये है सामने मंदिर पूरा, और यहाँ से पूरी लाइन है, आपको ये पूरी लाइन क्रॉस करके जाना पड़ेगा। मेरे को इतना टाइम इसीलिए लग गया क्योंकि जैसे मैं लाइन में गया ना वैसे ही आरती शुरू होगी, तो हमारी अंदर एंट्री नहीं हुई, और आरती खत्म होने के बाद हमें अंदर एंट्री दी, और अंदर जाने के लिए फ़ोन वगैरह सब कुछ आपको बाहर ही लॉकर में रखना होगा, उस वजह से मैं फ़ोन भी नहीं लेके आ पाया। लेकिन मैं आपको एक बार थोड़ी देर क्लोज लुक दिखा देता हूँ, जितना क्लोज मैं इस मंदिर के जा सकता हूँ आपको वहाँ जाके एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूँ। ये कुछ यहाँ पे मंदिर का प्रांगण है, यहाँ पर पास ही में 2-4 रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब 2-4 तो नहीं काफ़ी है यार, मतलब 2-4 इधर है बाकी आगे उधर है। मैं आपको मंदिर का एक बार क्लोज लुक देता हूँ जितना क्लोज मैं जा सकता हूँ, एंड आगे BSF वाले फ़ोन वगैरह लेने, मतलब जो भी है यहाँ की सिक्योरिटी वो फ़ोन वगैरह ले जाने नहीं देती, तो मैं ट्राई करता हूँ मैं आपको जितना क्लोज लेके जा सकता हूँ उतना क्लोज लेके जाता हूँ। बाकी भाई वो रहा मंदिर, खुद ही देख लो रात में कितना सुंदर लगता है। ये देख लो भाई यहाँ पे मंदिर है। तो भाई खाना पीना मेरा सब हो गया है, एक चाय लिया मैंने, चाय पीते हैं और फिर चलते हैं। रास्ते में आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ क्या कुछ हुआ कैसे नहीं। बाकी भाई यहाँ पे मैंने चाय ली है, इनसे मैंने चाय ली है, बाकी इनकी चीज़ें काफ़ी टेस्टी थी। मसाला डोसा खाया मैंने, वो भी काफ़ी अच्छा था। तो चलो चाय पीते हैं और निकलते हैं, रास्ते में सारी बात करते हैं। तो फाइनली अब मैं जा रहा हूँ वापस नीचे। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था, वरना मैं आपको अंदर के दर्शन भी करवाता, लेकिन अंदर फ़ोन ही अलाउड नहीं था। फ़ोन क्या वॉलेट, आपकी जो वॉच वगैरह वो भी वो लोग निकलवा रहे थे, तो काफ़ी टाइट सिक्योरिटी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं किया। मैं अंदर गया, 2 घंटे में लाइन में लगा रहा, उसके बाद मैं अंदर गया, मैंने दर्शन किए, मैं वापस बाहर आ गया। खैर अब मैं जा रहा हूँ वापस, काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ यार, मुझे 17 किलोमीटर नीचे उतरना है, रात के 11 ऑलरेडी बज चुके हैं, उतरते उतरते मुझे 2 बज जाएंगे। जाऊँगा और रेस्ट करूँगा, एंड रास्ते में आपको मैं व्यूज़ दिखाऊँगा कैसे कैसे नहीं, काफ़ी अच्छी जगह है। बाकी यार मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, से बताऊँ तो भाई सच बताऊँ ना तो मेरे को चढ़ने में दिक्कत हुई थी, क्योंकि चढ़ने में एक तो टाइम भी 5 घंटे का लग गया था, और चढ़ने में हालत भी ख़राब हुई थी। लेकिन जब उतरने की बात आ रही है तो ठंडा मौसम है, इतनी प्यारी हवा चल रही है और इतने आराम से उतरा जा रहा है, मुझे लग रहा है 2-2.5 घंटे में आराम से उतर जाऊँगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी चलते हैं, बाकी देख लो भाई सामने से भी लोग आ रहे हैं, इधर नीचे पूरा रास्ता आ गया और धीरे धीरे अपने नीचे उतर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हल्का हल्का भजन चल रहा है, ठंडा मौसम है, जब ऊपर चढ़े थे ना तो गर्मी भी बहुत थी, तो उस वजह से भी रुक रहे थे बार बार, सांस में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो धीरे धीरे उतर रहे हैं। बाकी रहा रास्ता, चलते नीचे। तो मैं बस नीचे उतरने वाला था, मैंने लगभग आधा रास्ता कवर कर लिया है। ये देखो भाई यहाँ पे इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, ये देखो, और भाई पूरी यहाँ पे रात को देखो, अभी भी रात को यहाँ पे लोग नीचे से ऊपर भी आ रहे हैं और ऊपर से नीचे भी जा रहे हैं, हम भी जाने वाले हैं। अब मैं आपको नीचे जाकर मिलता हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ आज, चलो चलते हैं। और यहाँ से दिखाता हूँ आपको मैं, देखो आपको ये रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता सीधा इधर से होकर यूँ पूरा पहाड़ के पीछे से यूँ जाकर पूरा इसके पीछे पीछे है, तो भाई ये रास्ता काफ़ी लंबा है और काफ़ी थका देने वाला भी है। 7 किलोमीटर का रास्ता मैंने कवर कर लिया है और अभी 6 किलोमीटर का रास्ता कवर करने वाला बाकी है। बाकी ये देखो नीचे वो मंदिर आ चुका है जहाँ से हम लोग आए थे, ये वही मंदिर है जब सुबह हम आए थे तब आए थे। अब देख लो यहाँ पे कितनी भीड़ है, अब देख लो यहाँ पे रात को कितने यात्री चलते हैं। मैं तो सुबह आया था इसलिए काफ़ी गरिमत रह गई कि मैंने सुबह सुबह कर ली। तो अभी हम यहाँ पे सीढ़ियों पे उतरे थे और सीढ़ियों पे उतरते यहाँ पे शॉप ही शॉप है चारों तरफ, यहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर वाली सीढ़ियों से आए थे और यहाँ पे आगे एकदम शॉप ही शॉप है, क्योंकि ये मार्केट ही ऐसे बनाया हुआ है, यहाँ पे मसाज वगैरह ले सकते हो आप। चलते नीचे भाई, रात के ना 1 बज चुके हैं लेकिन यहाँ का पूरा मार्केट अभी भी खुला है, ये देखो लिटरली रात का 1 बज चुका है और यहाँ पे मंदिर भी ना 24 घंटे खुले रहते हैं, तो उस वजह से मार्केट भी 24 घंटे खुले हैं। ये देखो पूरा मार्केट खुला है और ये पूरा मार्केट ना रास्ते के बीच में है, जिन सीढ़ियों से मैं उतर रहा हूँ उन्हीं सीढ़ियों के बीचों बीच मार्केट है। आओ मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ,
तो भाई यहाँ पे आपको कड़े वगैरह प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये देखो पूरा मार्केट इधर से। सच बताऊँ मेरे पैर ना इतने ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, जब मैं पैर रख रहा हूँ ना तो लिटरली मेरे पैर शेक हो रहे हैं और ऐसी हालत हो रखी है, क्योंकि आज भाई 17 किलोमीटर चढ़ा, 17 किलोमीटर उतरा और भी पता नहीं कितना पैदल चलना पड़ा मेरे को। पर ठीक है, आपको मैं यहाँ का मार्केट दिखाता हूँ। ये देखो पूरा मार्केट खुला है। अभी भीड़ बेशक कम है लेकिन फिर भी दिन में ये जगह और भरी रहती है, तो आज हालत मेरी एकदम टाइट हो गई है। मतलब मेरे को एक बात तो समझ में आ गई है, जितना मैं सोच के आया था ना कि वैष्णो देवी की चढ़ाई आसान है, मैं कर लूँगा, मैं तो बहुत पैदल चला हूँ, मेरे सारे भ्रम टूट गए। क्योंकि एक पैदल चलना और एक पहाड़ पे पैदल चलना, वो भी किलोमीटर्स तक, बहुत फ़र्क है इस चीज़ के अंदर। मतलब हो पूछो मत भाई, पसीना आ रहा है। और हालांकि इतना ठंडा मौसम होकर रखा फिर भी पसीना आ रहा है और सांस फूल रहा है वो अलग, तो मुश्किल तो है भाई। अभी मेरा आगे केदारनाथ जाने का भी प्लान है और केदारनाथ का तो इससे भी ज़्यादा है। यहाँ 16-17 किलोमीटर था वन वे, वहाँ 22 से 25 किलोमीटर वन वे है, यानी 50 किलोमीटर चढ़ना उतरना। अब सोच लो वहाँ कैसी हालत होगी। तो ठीक है, कोशिश करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको मैं सामने, बाकी मैं सामने का मैं दिखा देता हूँ, पूरा शहर दिखाई दे रहा है इधर से। तो भाई आज किस लोग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही और रिकॉर्ड करने की। तो आज किस लोग को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, आज की मेहनत पसंद आई होगी। एंड मिलते हैं बहुत जल्दी अगले व्लॉग के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जाएंगे जम्मू से कश्मीर, तो मैं आपको जन्नत कश्मीर भी दिखाऊंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अंटिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी।